हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बनाएंगे एक टेस्टी और यमी सा नाश्ता। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके घर में बहुत सारे सामान ऐसे उपलब्ध होते हैं कि आप उसे एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनाएंगे, जिससे बच्चे जो है टूट कर खाएंगे। तो चलिए, इस नाश्ते को आप बनाइए और फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही यमी और टेस्टी सा नाश्ता बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये घर में हमारे सब्जियाँ कुछ पड़ी हुई थी, चुकंदर था, टमाटर, ये शिमला मिर्च है, हरी मिर्च आप बच्चे वगैरह हैं तो कम ही लीजिएगा, और गाजर और प्याज हमने ये सारे ग्रेट करके देखिए हमने लिए हुए हैं। चुकंदर को भी हमने ग्रेट किया था, टमाटर को हमने जो है बारीक काट लिया था, और प्याज को भी ग्रेट किया था, हरी मिर्च हमने ये देखिए बारीक कटा हुआ लिया था। अब सभी मसालों को एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए, बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे, लेकिन बहुत ही टेस्टी और यमी सा ये रेसिपी है फ्रेंड। बच्चे आपके बहुत ही मन से खाएंगे। तो देखिए, इसमें हम मेयोनीज डाल देते हैं, 2 से 3 बड़े चम्मच हम मेयोनीज इसमें डालेंगे। आप जितना डालना चाहे डाल सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसमें हम ये नमक डाल देंगे स्वादानुसार, और इसको थोड़ी सी इसमें हम काली मिर्च देखिए हम इसे ऐड करेंगे, और फिर अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, इसे जब इसे अच्छी तरीके से मिला लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा। तो देखिए, इसे जब हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे, इसके बाद हम रोटी को लेंगे। और देखिए, ये हमारे पास कुछ बची हुई ताज़ी रोटियां थी, तो हम इसका अब आपको बनाकर नाश्ता दिखाएंगे। बच्चे कह रहे थे कुछ अलग खाना है, तो सोचे कि लाइए आज हम आपको कुछ अलग ही बना देते हैं। देखिए, इसे 1 टाइम फोल्ड किया, 2 टाइम फोल्ड किया, अब इस तरीके से थोड़े हाथ से ऐसे प्रेस करते हुए इसको हम इस तरीके से दबा देंगे और इसे फिर खोल लेंगे। अब देखिए, एक चाकू की सहायता से हम एक भाग को केवल हम कट करेंगे। इस तरीके से हमने एक भाग को कट कर दिया, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम लेंगे टमाटो सॉस, इसको हम एक भाग पर हम टमाटो सॉस लगा देंगे। देखिए, एक भाग पर हमने टमाटो के सॉस लगा दिया। अब दूसरे भाग पर हम जो मिक्स करके हमने अपने वेजिटेबल रखे हुए थे ना, उसको हम यहाँ पर रख देंगे। देखिए, इस तरीके से हम वेजिटेबल को रख देंगे। फिर इसके बाद हम जो है, अब देखिए यहाँ पर भी हम इस भाग में भी हम थोड़े से ये वेजिटेबल जो हमने मिला कर रखे थे इसको रखेंगे, और इसे अच्छी तरीके से फैला देंगे। फैलाने के बाद यहाँ पर देखिए, एक भाग में हमने ये चीज़ लगाया। आप चाहें तो हरी चटनी भी ये एक भाग में लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से एक साइड हम ऐसे लेंगे, फोल्ड करेंगे, फिर इसके बाद इसको हम देखिए इधर से फोल्ड करेंगे, फिर देखिए यहाँ से हमें फोल्ड कर लेना है। अब देखिए, ये हमारा एकदम बन करके नाश्ता तैयार है। इसी तरीके से आप सारे बना लीजिए। अब देखिए, हमने पैन रखा, तवा रख दिया है, इस पर हम थोड़े से घी या बटर आपके पास जो भी हो आप उसे डाल दीजिए। डालने के बाद इस पर हम रोटी का नाश्ता इस पर हम रखेंगे, और इसे दोनों साइड से एकदम कुरकुरा सेक लेंगे। देखिए, दोनों साइड से आपको ये कुरकुरा सेक लेना है। देखिए, ऐसे पलट देंगे, और देखिए इधर से भी हम इसे ऐसे पलट देंगे। पलट करके दोनों भाग को हम एकदम कुरकुरा सेक लेंगे। देखिए, हाई फ्लेम पर इसे नहीं रखिएगा, मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाइएगा, और इसे पका करके दोनों साइड से एकदम कुरकुरा आपका सीख जाए। देखिए, हम आपको 2 तरीके से बताएंगे। एक तरीका तो आपको हमने इस तरीके से बताया कि कैसे बनाते हैं, और दूसरा तरीका भी हम आपको अभी बताएंगे। देखिए, इस तरीके से देखिए एकदम कुरकुरा सीख गया है, तो अब इसे हम निकाल देते हैं। अब आपको दूसरा तरीका बताते हैं। तो देखिए, हम क्या करेंगे, रोटी ले लेंगे, सेम आपको उसी तरीके से इसे भी फोल्ड कर लेना है, फिर इसे खोल लेना है,
और चाकू की सहायता से एक भाग को आपको कट कर लेना है। अब देखिए कट करने के बाद इसमें अब क्या करेंगे, हम सब्जियों को जो है खड़ा लगाएंगे। तो एक साइड हम ये देखिए टमाटो सॉस लगा देते हैं, आपके पास ग्रीन चटनी हो उससे भी आप यूज कर सकते हैं, और जो आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। देखिए एक साइड हमने मेयोनीज लगा दिया, एक साइड चीज़ लगा दिया, एक साइड जो है टमाटर, फिर इसके बाद गाजर, गाजर के ऊपर जो है हम प्याज को लगा देंगे इस तरीके से छल्ले में, जो भी जिस तरीके से आप कोई भी देखिए, इसमें हमने सब्जी को कट नहीं किया है, इस तरीके से हमने इसे बना दिया है। अब इस तरीके से करने के बाद देखिए अब एक साइड से हम इस पर जो है हम पहले काली मिर्च को डालेंगे, पीसी हुई काली मिर्च है, इसके बाद थोड़ा सा कुटा हुआ हम लाल मिर्च को ऐड करेंगे, आप चाहें तो इस पर हल्का सा नमक को ऐड कर दीजिएगा। तो इसको देखिए हम अब यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ से ऐसे इस तरीके से फोल्ड किया, अब देखिए ये सेकेंड टाइम ऐसे फोल्ड किया, अब फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। इस तरीके से आप सारे बना लीजिए, बनाने के बाद इसे फोल्ड कर लीजिए, और फोल्ड करने के बाद इसे सेक, जैसे उसको हमने सेका था फर्स्ट टाइम पे, इस तरीके से देखिए हम सारे बना लेंगे। और ऐसे बटर को डालेंगे, घी को, और हमने वैसे देसी घी का यूज किया है, आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं, और किसी भी कुकिंग ऑयल में आप बना सकते हैं एकदम ब्राउन कलर का सेक करके, क्योंकि रोटियां तो 80% पकी हुई होती हैं, इसलिए मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरीके से आप पका। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि हमारी कोई भी रेसिपी हो उसमें स्वाद का कहीं भी कोई कमी ना हो। और देखिए दोनों साइड से इस तरीके से आप इसे सेक लीजिए, देखिए हमारा ये बहुत ही टेस्टी और यमी सा नाश्ता बन जाएगा। बच्चे सब्जी वगैरह नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से इस रेसिपी को बनाइए। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।